में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भाजपाइयों द्वारा निजी अस्पताल, ट्रामा सेंटर एवं गरीब बस्तियों में जाकर भोजन, नाश्ता एवं काढ़ा, साथ ही राशन वितरण किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेन गोयल ने बताया है कि इस अभियान के तहत लगातार हॉस्पिटल एवं बस स्टैंड के साथ साथ गरीब बस्तियों में जाकर राशन, भोजन, नाश्ता एवं काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जयंत मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे की टीम द्वारा जिला अध्यक्ष वीरेन गोयल की मौजूदगी में गरीबों को राशन वितरण किया गया। गोयल ने कहा कि जिले के समस्त मंडलों में भोजन, नाश्ता, काढ़ा एवं राशन वितरण किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई भूखा न सोए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि कोरोना अभियान में प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सहयोग दे रहे हैं, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेन गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले में संक्रमण लगातार कम हो रहा है। जिले से संक्रमण को उखाड़ फेंकने के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं एवं अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। ऐसा करने से शीघ्र ही संक्रमण से निजात मिल सकेगी। जैसा कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री वीरेन गोयल जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता अपने जयंत मंडल के सभी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं है, डेली जीवन यापन, डेली जीने का अपना रोजमर्रा का काम करते थे, आज उनका सब काम बंद है इस लॉकडाउन में। उनके भोजन के लिए राशन किट का वितरण हो, चाहे लंच पैकेट की व्यवस्था हो, चाहे हमारे यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव हुए हों, घर में आइसोलेट हो, या कि उनके पूरे परिवार के जो लोग कोरोना संक्रमित हो, उनके घर में काढ़ा का सामान हो या कि और कोई ज़रूरतमंद चीज़ हो, वो सभी हमारे कार्यकर्ता निरंतर सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार लगे हुए हैं कि अपने वार्ड में, अपने बस्ती में जा करके हम सभी लोग उनके सेवा के लिए, उनके हम लोग काम आ पाए, इस संक्रमण के समय में उनको लाभ मिल सके, इस विषम परिस्थितियों में हम सभी लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मैं यह आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले कोरोना कार्यकाल में जिस हिसाब से हम लोग काम किए थे, इस बार भी उसी उत्साह से हमारे सभी कार्यकर्ता बिना डरे लेकिन सजगता रखते हुए लगातार झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच में अपनी जान का परवाह बिना करते हुए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता सभी वार्डों में निरंतर रोज अपना एक सुबह से शाम वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष जयंत के द्वारा लगातार कोरोना वन हो या कोरोना टू या द्वितीय चरण या जो चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मंडल अध्यक्ष जयंत के द्वारा लगातार यहाँ के स्थानीय रहवासी जो भी इस तरह के मलिन बस्ती हों या जो भी ऐसी बस्तियाँ इस कोरोना कर्फ्यू से जो प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के राशन किट का वितरण किया गया। आज उसी कार्यक्रम के तहत मंडल जयंत के कार्यालय में हम सबों ने अभी इस 19 नंबर वार्ड से सटी हुई बस्ती के लोगों को राशन किट प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्षों के द्वारा लगातार सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत अपनी सक्षमता के अनुसार जहां राशन की आवश्यकता हो, जहां भोजन की आवश्यकता हो, मास्क की आवश्यकता हो, प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ में लग करके एक एक घर में जा करके कोरोना संक्रमित मरीजों का ट्रेसिंग किया जा रहा है, जिससे कि हम कोरोना की चैन को तोड़ सकें। इस किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जा करके
जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने यह कहा है कि 31 मई तक हम सब लोग मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त कर देंगे। आज उसी क्रम में सिंगरौली जिला हमारा लगभग 5% की पॉजिटिविटी रेट पर आ चुका है और यह विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि 31 मई तक हम इस सिंगरौली जिले से कोरोना का समूल विनाश कर देंगे और हमारा सिंगरौली जिला जीत की ओर अग्रसर होगा, कोरोना से जीत करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आज अपने भारतीय जनता पार्टी मंडल जैन के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबों के ऐसे प्रयास से इस कोरोना जैसी आपदा में आप अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार इस कार्यक्रम में लगे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।